हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात करेंगे वो पैनासोनिक फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में, उसका डेमो रिव्यू। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये है मेरा वॉशिंग मशीन पैनासोनिक 6KG एक्वा बीट फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर है NE F60LF1HRB और ये 6KG का है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। आप इसका डिस्प्ले देख सकते हैं, ये डिजिटल डिस्प्ले नहीं है इसमें। इसमें जैसा आप प्रोग्राम देख रहे हैं, इट्स नॉर्मल क्विक वॉश जो 15 मिनट्स में है, हैवी वॉश, टब क्लीन, एयर ड्राई, इको, डेलिकेट, जेंस। अच्छा, इसमें ये है वाटर लेवल जो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं या फिर ये मशीन खुद इसमें एक फजी लॉजिक सिस्टम है जो ये अपने आप कोई भी प्रोग्राम यहाँ सेलेक्ट करें तो ये वाटर लेवल अपने आप ही सिलेक्ट कर लेता है। अब ये है प्रोसेस, इसमें आपका सोक वॉश जो ये चलता रहेगा, जो प्रोसेस चलता रहेगा उस पर यहाँ रेड लाइट दिखाता रहेगा। ये स्टार्ट एंड पाउच बटन और ये ऑन ऑफ बटन। पहले मैं वहाँ से पावर ऑन करूँगी और उसके बाद हम यहाँ ऑन ऑफ दबाएंगे और फिर हम देखते हैं कि इसको आखिर यूज कैसे करना है। फ्रेंड्स, तो अब चल रहा है मेरा, अब मैं ऑन कर रही हूँ अपना टैप। ये मेरा टैप ऑन हो गया जैसा आप देख सकते हो। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले जैसा आप देख सकते हो, इसमें मेरे सारे कपड़े इसमें डाले हुए हैं और अब मैं इसमें डालूँगी डिटर्जेंट। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ कोई भी डिटर्जेंट का ट्रे नहीं है, देख सकते हो देयर इज नो डिटर्जेंट ट्रे। तो अब इसमें हमें मैनुअली डिटर्जेंट डालना है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब भी आप कोई वॉशिंग मशीन यूज़ करें ना, तो हमेशा कोशिश करें कि लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करने का, क्योंकि जो पाउडर वाला डिटर्जेंट, ऐसा नहीं है कि पाउडर वाला डिटर्जेंट मशीन के लिए नहीं आता, टॉप लोड के लिए भी आता है और फ्रंट लोड के लिए भी आता है, लेकिन वो जो पाउडर वाला डिटर्जेंट का बहुत प्रॉब्लम ऐसा आता है कि वो जो कपड़ा होते हैं ना उन पे रह जाता है, डिटर्जेंट का जो दाग होता है, लोग कहते हैं कि डिटर्जेंट का स्टेन रह गया, डिटर्जेंट उस पे कपड़े पे रह जाता है। तो इसके लिए यही अच्छा है कि आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ करें। तो मैंने जो ये मंगाया है सर्फ एक्सल का टॉप लोड, सर्फ एक्सल मैटिक लिक्विड टॉप लोड, तो ये लिक्विड डिटर्जेंट है जो मैं यूज करूँगी अभी और उसके बाद हम ये अपना मशीन स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं, आपने देखा था मेरा जो कपड़ा था वो ज़्यादा हैवी भी नहीं था, तो मैं इसमें 1 कप यूज कर रही हूँ और ये मैनुअली मैंने इसमें डाल दिया, मैंने मैनुअली डाल दिया क्योंकि इसमें तो है नहीं डिटर्जेंट ट्रे। इस वॉशिंग मशीन का यही प्रॉब्लम है कि इसमें डिटर्जेंट ट्रे नहीं है और एक इसमें डिजिटल डिस्प्ले नहीं है। इसके अलावा बाकी सारा इसमें है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आया। तो अब मैं इसको बंद कर दिया मैंने, तो अब आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना उसमें डाल दिया, कपड़ा डाल चुकी हूँ और वॉशिंग लिक्विड डाल दिया। अब मैं यहाँ ऑन करने जा रही हूँ कि मैं इसको ऑपरेट कैसे करूँगी, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इसको ऑपरेट कैसे करूँगी। सबसे पहले तो हम यहाँ पावर बटन ऑन ऑफ का बटन ऑन कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ चूँकि दिख रहा है कि ये नॉर्मल पे है, यहाँ पर मुझे नॉर्मल पे रखना है, तो ये मैं यहाँ क्लिक करूँगी। जब तक ये लाइट ब्लिंक ना करने लगे ना, आप ऐसा समझिए कि अभी स्टार्ट हुआ है। पहले यहाँ मैंने फिर से ऑफ़ किया, ठीक है, ये ऑफ है, फिर से मैं इसको ऑन कर रही हूँ, ये ऑन हो गया। अब देखिए ये यहाँ सिर्फ अभी लाइट जल रहा है, मतलब ये लाइट ब्लिंक नहीं हो रहा है। अगर लाइट ब्लिंक नहीं हो रहा है इसका मतलब ये ऑपरेशन में नहीं है, ये नॉन ऑपरेशनल है अभी। अब मैं इसको क्लिक करूँगी, अब ये लाइट ब्लिंक करने लगा और मैंने इसको नॉर्मल वॉश पे डाला है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको एक बार ऐसे क्लिक करूँगी तो ये क्विक वॉश पे आ जाएगा। इसी तरह करके हम नीचे तक आएंगे, हैवी वॉश डबल क्लिक करेंगे, हैवी वॉश आ जाएगा, फिर यहाँ डबल क्लिक करेंगे, ये टब क्लीन आ जाएगा। अब ये यहाँ पे एक और क्लीन करना पड़ेगा टब क्लीन के लिए, स्टार्ट करने के लिए, और फिर मुझे वापस जाना है अपने नॉर्मल पे, जो कि मैं मुझे नॉर्मल सेट करना है। तो एक क्लिक से नहीं है, डबल क्लिक मारना है, यहाँ डबल क्लिक हो गया और देखिए ये अपने आप वाटर लेवल सेलेक्ट कर ले रहा है, ठीक है, ये अपने आप वाटर लेवल सेलेक्ट कर रहा है। अब हमें सिर्फ इसको स्टार्ट बटन को ऑन कर देना है और देखिए मेरा मशीन ऑन हो गया। जैसा कि आप आवाज़ सुन सकते होंगे, मेरा जो मशीन है वो ऑन हो चुका है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है तो अंदर हम देख नहीं सकते हैं ज़्यादा,
और फ्रेंड्स मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि मैं आपको ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में सब कुछ बताऊँगी कि उसमें क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, सब कुछ। तो इसमें कॉन्स मुझे सिर्फ दो ही नज़र आया। एक तो इसमें डिजिटल डिस्प्ले नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ डिजिटल डिस्प्ले नहीं है। और दूसरा जो ट्रे नहीं है, डिटर्जेंट ट्रे, अदरवाइज ये मशीन जैसा आप देख सकते हो कि जब वॉश हो रहा है तो कोई भी वाइब्रेशन नहीं है। अच्छा एक चीज़ और है कि इस मशीन में ना मैंने वाइब्रेशन सकर, आप देख सकते हो नीचे मैंने वाइब्रेशन सकर लगाया हुआ है, ये जो आप देख सकते हो ये ना, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था, परचेज किया था मैंने ऑनलाइन ही। ये 4 पीस में आता है, ये मैंने मंगवाया था। तो इससे क्या है कि इसका वाइब्रेशन जो है मशीन का वो काफ़ी कम हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हो कि वॉश करते वक्त ये जब ये पानी ले रहा है उसके बाद ये वॉश करेगा तो उस वक्त वो बिल्कुल भी जो कहते हैं वाइब्रेट नहीं होता है मशीन, जैसा कि आप देख सकते हो। अदरवाइज अच्छा कल ये जो मेरा है फ्लिपकार्ट से, जैसा मैंने कहा था आपको कि मैं प्रोज कॉन्स बताऊंगी, तो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है इस मशीन को मैंने, जो मुझे 13,390 रुपीज़ में पड़ा है ये वॉशिंग मशीन, जो कि मैंने बिना ऑफ़र के लिया था। अगर आप लोग किसी ऑफ़र में ख़रीदोगे तो हो सकता है वो और कम भी लगे आपको। तो इतने में मैंने ख़रीदा था। और इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि इसका डिलीवरी तो मुझे काफ़ी स्पीड मिला, काफ़ी क्विक डिलीवरी था। आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया और कल मुझे डिलीवरी मिल गया। बट ऐसा हुआ कि इसका जो इंस्टॉलेशन है उसमें काफ़ी 6-7 दिन लेट हुआ। उन्होंने टाइमिंग दिया था, जैसे मेरा 11 सितंबर को डिलीवर हुआ है ये प्रोडक्ट, और उन्होंने टाइमिंग दिया था 15 सितंबर तक का। लेकिन ऐसा हुआ कि उन्होंने डिलीवरी 15 सितंबर का टाइम भी निकल गया और उन्होंने कहा कि मैम आपका हो रहा है। और कल ही मेरा, कल 17 सितंबर था और कल ही मेरा ये इंस्टॉल हुआ है। तो मैंने कल जैसा इंस्टॉल हुआ उस हिसाब से मैंने कल रात को मैंने इसमें एक डेमो करके देखा था। मैंने उसमें कपड़े को साफ़ करके डालने के लिए डाला था मैंने कि कपड़ा साफ़ हो रहा है कि नहीं। तो मैंने कल देखा कि कपड़े काफ़ी अच्छे साफ़ होते हैं काफ़ी। और एक भी डिटर्जेंट का, जैसे मैंने कहा कि अगर आप लिक्विड यूज़ करोगे तो डिटर्जेंट का कोई भी स्टेन आपके कपड़े पे नहीं रहेगा। तो इस हिसाब से मुझे अच्छा लगा ये वॉशिंग मशीन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और अगर आपकी फ़ैमिली छोटी है, 2-3 पर्सन की फैमिली है, तो अच्छा है ये, कम रेंज में अच्छा वॉशिंग मशीन मुझे लगा। बस इसमें दो ही कॉन्स है जो मैंने आपको बताया, ये तो इस मशीन के प्रोज और कॉन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रोज क्या थे कॉन्स क्या थे। अब फ्लिपकार्ट से मंगाने के प्रोज और कॉन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। अच्छा इस मशीन, एक चीज़ और तो मैं बताना ही भूल गई, इस मशीन में मुझे 1 ईयर की इस प्रोडक्ट पे वारंटी मिली है और 10 ईयर की मोटर पे वारंटी। जैसा कि आप देख सकते हो ऑन मोटर है ये, 10 ईयर की मोटर पे वारंटी है और ये 5-स्टार रेटेड है। जैसा आप देख सकते हो, जैसे ये जो मशीन है ये भी मैं बताना भूल गई थी, ये 5-स्टार रेटेड है, मीन्स कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है उसका बिल काफ़ी कम आएगा। तो ये सारे प्रोज मैंने आपको बताए, ये मशीन के प्रोज थे। आपको कॉन्स भी मैंने बताया, कॉन्स सिर्फ में दो ही है जो मैंने आपको बताया, एक डिजिटल डिस्प्ले नहीं है और दूसरा वो ट्रे, डिटर्जेंट ट्रे नहीं है। इसके अलावा बाकी कोई कॉन्स मुझे इसमें अभी तक नज़र नहीं आया, क्योंकि मैं ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया मैंने अभी, लेकिन जितना यूज़ किया है मुझे इसमें और कोई कॉन्स नज़र नहीं आया है। और एक चीज़ ऐसा है कि मैंने बताया था कि मैं ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू क्या प्रोज क्या कॉन्स होते हैं वो भी मैं बताऊँगी। तो फ्लिपकार्ट से मैंने ये मंगाया, उसमें मुझे प्रोज ये है कि मुझे चीप रेट पे मिला, मीन्स मुझे 13,390 में जैसा मैंने बताया वैसे मिला मुझे। और कॉन्स इसमें ये हुआ कि और प्रोज एक और ये है कि डिलीवरी मुझे काफ़ी स्पीड मिला। और कॉन्स इसमें सबसे बड़ा ये है कि इसमें इंस्टॉलेशन काफ़ी लेट हुआ मुझे। अगर मैं ये मार्केट से ख़रीदती तो शायद मुझे इंस्टॉलेशन वो उसी दिन सेम डे हो जाता मेरे मशीन का, तो मुझे इंस्टॉलेशन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ा। अदरवाइज अगर मैं कहूँ कि अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑनलाइन शॉपिंग में, मुझे कोई प्रॉब्लम तो नज़र नहीं आया, क्योंकि सबसे अच्छा बात है कि मुझे रेट परफेक्ट मिल रहा है। अगर मैं यही मार्केट में खरीदने जाती हूँ तो मुझे एटलीस्ट तो 50,000 स्पेंड करने ही पड़ेंगे। तो इस हिसाब से मुझे ये सही लगा, प्रोज कॉन्स मैंने आपको बता दिए। अच्छा हाँ ये एक बात और है फ्रेंड्स कि ये जो मशीन है ना, इसको ख़रीदने से पहले नॉर्मली हर इंसान के मन में एक होता है कि अगर मैं किसी चीज़ को ख़रीदने से पहले मैं उसका ज़रा डेमो देख लूँ, मैं उसका क्या यूज है, कैसे यूज है, उसके बारे में सब कुछ जान लूँ, तो लोग यूट्यूब पे सर्च करने आते हैं। मैं भी गई थी यूट्यूब पे सर्च करने, पर फ्रेंड्स मैं बहुत निराश हुई थी क्योंकि मुझे पूरे यूट्यूब पे कहीं भी ये पैनासोनिक 6 kg के एक्वाबिट्स फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो मॉडल नंबर है, इस मॉडल का मुझे कहीं भी डेमो नहीं मिला, हिंदी में खास करके हिंदी में मुझे डेमो नहीं मिला। मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन अच्छे से इंफॉर्मेशन फुल्ली जैसा नहीं मिला मुझे।
तो मुझे लगा कि ये प्रॉब्लम हर किसी को, अगर कोई ख़रीदना चाहे तो उसको फेस करना पड़ेगा, आप लोगों को फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं ये वीडियो आज अपलोड करना चाह रही हूँ, अपलोड कर रही हूँ मैं ये वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, ये जो मशीन है ये अच्छा लगा हो, अगर मेरे बताने का या समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर किसी को ख़रीदना है आपके फैमिली में तो उन्हें आप ये वीडियो शेयर कीजिए। आप देख सकते हैं कि जो मशीन है वो बहुत कम वाइब्रेट हो रही है, आवाज़ वॉल्यूम भी आपको मुझे नहीं लगता ज़्यादा लग रहा होगा, इसका जो आवाज़ है मशीन का वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है। जैसे आप देख सकते हो, मैं कब से यहाँ खड़ी हूँ मशीन के पास, आप देख सकते हो कि मशीन वाइब्रेट बहुत कम कर रहा है जो वाइब्रेशन सकर के की वजह से। तो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये ख़रीदना हो, अगर चीप रेट पे, अगर फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अगर आप ख़रीदना चाहें तो मेरे हिसाब से, अगर आपकी फैमिली 2 या 4 की है तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, तो आप ख़रीद सकते हो, उनके साथ शेयर करें आप। और अगर मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वो जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और तब तक के लिए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।